आ गए मेन गेट पे, ये लाइन लगा रखी है। माँ ने भाई हेलीकॉप्टर की टिकट नहीं मिली, और मम्मी जाएगी पैदल। अर्धकुंवारी पे हमने रूम बुक कर लिया है, अर्धकुंवारी पे जाते ही अर्धकुंवारी तक चढ़ना है भाई। आपको मेन गेट दिखाती हूँ, माता हमारी। ये मेन गेट, बोलो जय माता दी, बोल साचे दरबार की जय। चलो भाई चलो, चलो यार वो पीछे लाइन लगी हुई यार, 20 के 5 है, 20 के 5 तो सुत्ता लुट है। 10 के 4 थे, 10 के 10 के 10 मैं तो बता दी, 10 के 10 है, मैं तो बहुत बुंडी टुच्ची नहीं थी हूँ, 10 के 10 ली थी मैं, और वो 10 के 10 देगा। देखो भाई यहाँ लगे हुए हैं, यहाँ पर आ गया हमारा फ्रिस्किंग पॉइंट, यहाँ लेडीज जेंट्स। देखो भाई ऊपर कितनी बर्फबारी है, कितनी भीड़ है जेंट्स वाले में, कितनी भीड़ है। हो गई जय माता दी, जय माता, जय माता, यात्रा शुरू, जय माता दी, बोलो जय माता दी, बोलो सारे जय माता दी, जय माता दी। चलो भाई हो गया, ये होगी हमारी यात्रा शुरू। ऊपर बर्फ देख के बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। चलो भाई अब आ गए हम लंगर खाने, कुछ का जो लंगर है उसमें खाना खाएंगे, दिखाते हैं आपको। कुछ भी नहीं है, धीरे धीरे करके चढ़ते रहो, कुछ नहीं है। ये आगे भी सब्जी, हाँ नानी से बैठा ही नहीं कह रहा, नानी से बैठा ही नहीं कह रहा। आ गए हम बाणगंगा, ये पुराना बाथिंग घाट है भाई, इसमें माता वैष्णो देवी ने हनुमान जी को पानी पिलाया था, और कुछ लोग बोलते हैं उन्होंने अपने बाल भी धोए थे, इसीलिए बालगंगा या बाणगंगा इसको दोनों चीज़ें बोली जाती है। अब आगे इसका नया घाट बन गया, वो दिखाते हैं। घोड़े पे बैठेगी, घोड़ी घोड़े पे, यहाँ से नहीं चला जाए।
ठीक से नानी ठीक है नानी ठीक है ये आ गए हमने बातिंग घाट फिर ये देखो भाई मेरी मम्मी मुंह धोने आ गई परी, परी को मिस कर रहे हो परी को गुस्सा को उसके बिना मैं नहा भी नहीं रही देखो पैर पैर धो रही है मम्मी कल तो और ही आई थी पहुंचे गीता भवन मंदिर ईशा दीदी का फोटो खींचिए और देखो भाई ये है गीता भवन मंदिर प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण बाबू का यहाँ पर माता रानी ने 2 मिनट रुके भैरव बाबा को पीछे देखा था कि वो पीछे आ रहे नहीं आ रहे तो उनके चरण जो थे वो सदा के लिए यहाँ पर आने वाले अब ये चरण मेरे बेटे का दर्शन करके आ गया ये
मंजीत गुड़िया आ गई पीने लगे बीच में सोडा दिखाई ये देखो जलजीरा मान लो जलजीरा बीच में चढ़ते चढ़ते थोड़ा थोड़ा रुक रुक के पीते रहो ये क्या पी रहा है सोडा वाह रे वाह कैसा लगा गुड़िया ने के लिया पेप्सी मंजीत क्या ढूंढ रहा है बर्गर पैक मतलब पैक मतले कोई फ्रेश बन रहा है तो वो ले ले नहीं भैया बेसिक मैगी खा ले तू मैगी खा ले और मैगी अरी हाँ मैगी खा लो मैं ना खाऊं भैया एक प्लेट मैगी बना देना मैगी मैगी कैसे है 40 रुपये सब्जी डालोगे इसमें बिना सब्जी वाली 40 की ये बर्फ की चोटी पर सूरज की देखो भाई वो हमारी है ऊपर पूरी बर्फ की चादर ढकी नहीं ये देखिए दोस्तों रास्ते में हमें दो लंगूर भी मिल गए हैं दो नहीं तीन मान लो एक तो इशू ही नहीं है क्या देखिए अभी तो हम अर्धकुंवारी के रास्ते पर ही है हेल्पलाइन ये यात्रा हमारी मैं आपको भी आगे जाके दिखाती हूँ रुको बकरी 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 बर्फ के पास पहुंच चुके हैं देख यही तो है बर्फ की देखो भाई साहब कती का सुत्ता वो सब है ये देखिए खान पान की दुकान सीढ़ियाँ मतलब इसी यहाँ पे हमें मिलेगा क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियाँ ख़त्म हुई होंगी इशू सीढ़ियों से कहते हैं यहाँ पे पहुँचा होगा अभी तक वो 526 थी इसलिए मम्मी नहीं आई मम्मी की वजह से मैं भी नहीं आई बाय बाय पहाड़ अभी हमने सीढ़ियाँ ली हैं चलो मैं चलती हूँ ऊपर चलो ओह माय गॉड पहुँच गए मम्मी आएंगी अब देखना ध्यान से फुर्ती फुर्ती तो है Thank you.
कैसा है मौसम? कैसा है मौसम? मौसम कैसा है? मौसम ठंडा है, बहुत बढ़िया है। मजा आएगा बर्फ में? ऊपर और बर्फ गिरने लगी अभी तो। और क्या, देख लो ना, धुंध जमी हुई है पूरी। मामा कहाँ रह गए? मामा बहुत पीछे। ऐसे कैसे पीछे रह गए? सो गाइस, हम यहाँ पे अभी जा रहे हैं, अर्धकुंवारी पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी तक पूरे बादल थे, अब थोड़ा सूरज आ गया है और फिर बादल हो गए। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पहाड़ के पीछे का दिखा। और उधर देखिए वो चिनाब है, कितनी सुंदर लग रही है। सूरज निकल रहा है नीचे, ऊपर को इधर को बीच में ले रहा। वही देखो, अब यहाँ पे हम चल रहे हैं। ये हमारा सामान जा रहा है। हमने ये पिट्ठू 290 रुपीज़ में करी है, जिसमें से पर्ची कटी है कटरा से अर्धकुंवारी तक की। और मेरी नानी भी घोड़े पे गई है, वो करी हमने 550 रुपये की, वो भी कटरा से अर्धकुंवारी तक की करी है। यहाँ पे मम्मी देख सकते हो, जय माता दी। अंकल आपका नाम क्या है? मकबूल है। मकबूल खान। आप कितने साल से काम कर रहे हैं? हो गए 10-20 साल। 10-20 साल हो गए। हाँ, ये देखिए माँ वैष्णो देवी के भव्य नजारे। ये देखिए छोटे छोटे घर बना रखे हैं। आप आगे पहुंच गए हमसे? कितनी दूर है वैसे अर्धकुंवारी? आधा किलोमीटर है। डन, पता नहीं, क्लोज है। ये तो क्लोज है भाई। Your search for coffee ends here, but my search for coffee starts from here, right? Right. ये देखिए हर जगह सीट्स अवेलेबल है, ताकि अगर यात्री थक जाए तो बैठ सके। पानी, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, जय माता। यात्रा की पवित्रता बनाए रखे हेतु मार्ग विताश ना खेले। भाई मैं थक गया, पढ़ते पढ़ते सांस भी फूल गई। अब थकान दूर हो गई मेरी। आ जाओ मम्मी, मां मार तो जल्दी पीछे रह लिए। नानी पहुंच ली कल की, नानी की देर होने की। Wow, what a view. नहीं, नानी ने पैर गई थी, नानी के पैर दर्द हो गए। हाँ मंदिर है, नानी जहाँ से दर्शन कर सकती है। राजू मम्मी आ जाओ से, भाई देखो अब यार सीढ़ी चढ़ लो। देखते हैं अगर 200 से कम हुई तो मम्मी चढ़ेंगी। मना है ना मम्मी का सीढ़ी चढ़ना? 115 है।
भी ज़्यादा लग रही है। 175 है, 195 है, 175 है, 115 ही है। भाई जी 115 चलोगे? 115 है। सीधे सीधे क्या अंकल के साथ कौन रहेगा? अंकल तो वहीं बोल दूं क्या मैं? अंकल से ये पूछ पहले बीच में वो नए रास्ता और रास्ता तो नहीं पता। अब हम सीधे से चल रहे हैं क्योंकि नया रास्ता भी यहाँ से फट रहा है। आई डोंट नो व्हाई पता नहीं फट रहा है। ये देखिए हर जगह यात्रियों ने जिनको घर चाहिए ताकि माता रानी अपनी कृपया उन पर दिखा के उनका घर बनवा दे। बहुत ही धन्यवाद, कितने छोटे 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 से घर बनाए हुए हैं। तो भाई साहब ये तो कुछ ज़्यादा ही मंजिला घर है, मेरे को लग रहा पूरी बिल्डिंग ही चाहिए। और ये सोसाइटी बना दी इन्होंने पूरी। अब ऐसे मैं पहाड़ बना दूँ, मेरा नाम पहाड़ कर दो एक। ये भाग के जा रहा है नानी के पास क्योंकि पता नहीं क्यों। ये देखिए ये देखिए हर जगह घर 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 घर। मैं चलिए मम्मी के पास बात बाकी। चलो 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 मम्मी चलो। ये देखिए थके हुए यात्री यहाँ पे बैठे हुए हैं। व्यू भी आप देख सकते हो। चलो 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 भाई ये तो खड़ी चलाई है। कोई नहीं जाएंगे जाएंगे हम जरूर जाएंगे। हमें माता ने बुलाया है। मुझे पहले देख रही है जाऊँ या ना जाऊँ लेकिन जाना तो पड़ेगा। मचा रहा है आपको और क्या? बहुत ज्यादा अब तो पहुंचने वाले हैं। बहुत कम देर रह गई। आजो 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 लाइट। ये तो बीच में चरण भादु के पहले की बारिश भी हो गई थी और मेरे लगा मौसम ज्यादा खराब हो जाएगा लेकिन मौसम तो हमारे साथ है। अच्छा है ना बारिश नहीं। हर जगह कीचड़ 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 हो जाता। हाँ बाकी बर्फ देखते हैं ऊपर जाके क्या होता है। बर्फ का स्नो मिलेगी स्नोफॉल होगी नहीं मिलेगी फिर भाई सरप्राइज है। हमें खुद ही नहीं पता हमें ये सरप्राइज देखेगा या फिर मिलेगा। दोनों में से एक चीज़ ही हो गई। मम्मी आ रही है आ रही है आ रही है फुर्ती से आ रही है। आ जाओ आगे मम्मी आ गई। व्यू ही देख रहा था ना। कितना रह गया भैया अब? चढ़ तो गए हम वो तो मानना तो पड़ेगा। हाँ अर्धकुंवारी मतलब आधा रास्ता भी हमें आज मतलब अर्धकुंवारी तक ही जाना है। वहाँ पे हमने बेड्स बुक करे हुए हैं 6 बेड्स क्योंकि हम 6 ही हैं। अरे ये अर्धकुंवारी पहुँच गए अरे 6 बेड पे फिर हम आज स्टे करेंगे और फिर कल भवन तक जाएंगे दर्शन करने के माता के। देन हम रोप वे शायद लेंगे मोस्ट प्रोबेबली रोप वे ही लेंगे। फिर रोप वे से नीचे भगवान से दुकान और भगवान से नीचे। ये क्या है प्रीपेड काउंटर
अगला काउंटर ओके चलो 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 ये हमारा सामान कुछ ज़्यादा ही था ये ज़्यादा तो नहीं है तीन बैग है तो अभी पूरे पूरे भरे नहीं है और चलो 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 और ये भी ठीक है क्योंकि हमें बैग्स उठाने नहीं पड़ रहे आराम से पैदल चल के यात्रा करने में मज़ा ही आ रहा है पिट्ठू लेने की कोई ज़रूरत नहीं चाहिए कोई थकान भी हो या ना हो लेकिन पैदल चलना बेस्ट है अगर आप भी आए तो प्लीज़ पैदल ही चलना प्रेफर करें और ये देखो कितने अच्छे से फन की वेज आ रही है अर्थ ना बादलों को क्रॉस करके मैं आपको क्लियर दिखाने का ट्राई करती हूँ और आए ऐसे कुछ आदि देखा ये देखो वही कटरा शहर ये देख लो आप फार्मिंग मम्मी 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 कही आगे मेरे को जाना पड़ेगा चलो 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 देखो पिट्ठू की सवारी घोड़े हैं यहाँ पे भी हैं ये रास्ते में कहीं से भी ले लो कहीं भी थकावट हो ले लो देखो फिर से ये सीट्स आ गई मुझे तो सीट्स में थक गई कहीं जी अगर तू थके भी तो बैठ जा और सच में बात थकान नहीं हो रही क्योंकि बहुत बार आए हुए हैं ना तो इस बार बिल्कुल भी पता भी नहीं लग रहा कि हम मधुकारी पर पहुंचने वाले हैं चलो चलते हैं नानी ठंड लगी कोट क्या थी पहन रही पहले अब तो दर्द नहीं कर रहे पैर ठीक सर मम्मी गई है चाय लेने चाय 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 मंदिर में होया क्या नी मुंडू उलट जा नानी मजा आ रहा है ठंड है ना तू ही कह रही थी मन कौन लागा ठंड पाट की बेरा नानी देख पीछे पहाड़ों के पीछे दिक्कत ना है नदी हाँ उड़ जाओगे शायद पीछे और पहाड़ के पीछे दिखते नहीं पानी पानी हाँ वो चेनाब है और जाओगे राफ्टिंग मम्मी ने कही तो तुम चेनाब है पर पसाब की चाह पसाब कर रहा है नहीं बोल रहा वॉशरूम नानी भी नहीं रही है साइड में वॉशरूम है फिर भी बार 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 पूछे जा रही है ये बताओ चलो कमेंट में बता देना ये किसका पेड़ है ये बताना कि मेरा पेड़ है उसका पेड़ है मतलब किस चीज़ का नहीं मेरे को पता है ना ये लीव्स किस टाइप के जो कुछ भी तुम इस पेड़ के बारे में बताओ ना कमेंट बॉक्स में जस्ट टाइप इट ओके बाय बाय क्यों बाय बाय क्यों बाय बाय मतलब देखो 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 मम्मी देखते हैं चाय लेने कहाँ पे गई है चलो मैं आपको दिखा देती हूँ वो पता नहीं हाय करके चले गए नाइस थिंग यार मम्मी सेवा में चालू है नानी गई है अभी वॉशरूम करने अपने ले आते ये भाई नानी मिल गई हमें और ये चल रही है ना नानी अब नानी इब तो कौन ही थकी होगी ये इस तरीके के बैंड होते हैं दो दो एक ऊपर
120 रुपीज़ ईच होते हैं एक बेड का, उसके साथ आपको ब्लैंकेट्स मिलते हैं, उसके लिए आप पैसे जमा करवा दो और मॉर्निंग में आपके पैसे जाते हैं रिटर्न। ये देखो ये नानी नानी देवती की लड़ाई चल रही है यार। मेरी मेरे खाट के नीचे देखो भाई कौन है, नानी नानी मंजीत, मंजीत भाई क्या मेरी माँ क्या अच्छी। गुड नाइट, सुबह मिलते हैं बगल पे, काफी स्नोफॉल हुआ है भाई।